वरुण गांधी यानी राजनीति में जाना माना चेहरा। एक समय था जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो बीजेपी में आए, लेकिन अब आखिर क्यों बीजेपी को वरुण गांधी नहीं भा रहे, आखिर इसकी वजह क्या है? क्योंकि इस बार वरुण गांधी को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है, लेकिन हाँ उनकी मां मेनका गांधी पर बीजेपी भरोसा जता रही है। और फिर सवाल उठा कि बीजेपी आखिर ऐसा क्यों कर रही है, जिसका जवाब आज हम आपको देने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं शेष भारत। इस बार पीलीभीत से बीजेपी ने मौजूदा सांसद वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया, बल्कि उनकी जगह पार्टी ने कांग्रेस से बीजेपी में आए और योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बना दिया। इसके बाद इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि वरुण गांधी वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 27 मार्च को जब नामांकन भरने का समय समाप्त हो गया तो इन अटकलों पर भी विराम लग गया। लेकिन राजनीति में एक कयास खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। समय के साथ इन कयासों से भी पर्दा हटेगा, पर वरुण गांधी के अगले कदम को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। दरअसल 16 फरवरी 2004 को करीब 24 साल की उम्र में वरुण ने अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेते हुए कहा था कि भले ही उनका परिवार नेहरू गांधी परिवार यानी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा रहा है, लेकिन वो ये मानते हैं कि उनका परिवार किसी पार्टी के प्रति नहीं बल्कि आत्म बलिदान की परंपरा, राष्ट्रीय गौरव और स्वतंत्रता के सिद्धांतों के प्रति सच्चा था। उन्होंने बीजेपी की सदस्यता लेते हुए पार्टी को मजबूत करने की बात कही थी और सदस्य बनने के अपने फैसले को राष्ट्र हित में सर्वोत्तम फैसला बताया था, लेकिन वरुण अब शायद ही इस फैसले को सर्वोत्तम मानते होंगे। खैर, इस वक्त सबसे ज्यादा यही सवाल उठ रहा है कि बीजेपी ने वरुण गांधी को टिकट क्यों नहीं दिया और उनकी मां मेनका गांधी को टिकट आखिर क्यों दे दिया। तो चलिए इसका कारण भी आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वरुण गांधी का टिकट कटने के कारणों को समझने की कोशिश कर लेते हैं कि आखिर बीजेपी ने वरुण गांधी को टिकट क्यों नहीं दिया। दरअसल वरुण गांधी अक्सर कई मुद्दों को लेकर सोशल मीडिया पर अपने विचार रखते हैं, जैसे अफ्रीका से लाए गए चीतों के मरने पर उन्होंने कहा कि विदेशी जानवरों की लापरवाह खोज तुरंत समाप्त होनी चाहिए। चीतों की मौत को वरुण ने न सिर्फ क्रूरता बल्कि लापरवाही का प्रदर्शन भी कहा था। दरअसल भारत में 1952 में चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। इन चीतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाकर छोड़ा गया था। इससे पहले बीते साल उनका एक वीडियो क्लिप भी वायरल हुआ, जिसमें एक कार्यक्रम में वरुण गांधी कार्यकर्ताओं के एक साधु को टोकने पर कहते हैं कि अरे उन्हें टोको मत, क्या पता कब महाराज सीएम बन जाएं, कल को मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो हमारा क्या होगा, समय की गति को समझा करो। उनके इस बयान को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज के तौर पर देखा गया, वरुण के इस बयान को सरकार की आलोचना के तौर पर देखा गया था। खैर, ये कहा जाता है कि वरुण गांधी जिस परिवार से आते हैं उसकी अपनी विरासत है, लेकिन बीजेपी का अपना अनुशासन है। वरुण गांधी अपने आप को पार्टी से ऊपर समझ रहे थे, पार्टी और सरकार को लगातार ट्रोल कर रहे थे, ये किसी पार्टी में रहते उचित नहीं होता है। उन्हें अपनी बात पार्टी के फोरम पर रखनी चाहिए, ना कि सार्वजनिक फोरम पर, और इसी वजह से उनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। लेकिन कहा जाता है कि यूपी बीजेपी में बड़े बड़े नेता पार्टी लाइन से अलग जाने पर अतीत में किनारे किए जा चुके हैं। इस फहरिस्त में कल्याण सिंह से लेकर उमा भारती तक हैं। यहां तक कि एक समय में योगी आदित्यनाथ को भी पार्टी में तवज्जो नहीं मिली थी तो अलग होना पड़ा था, लेकिन जो पार्टी के साथ उनकी लाइन पर चलता है उसे बीजेपी अपने साथ हमेशा रखती है। जैसे राजनाथ सिंह सांसद हैं, देश के रक्षा मंत्री हैं और उनके बेटे पंकज सिंह विधायक हैं। पंकज सिंह ने कभी भी पार्टी लाइन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। लखनऊ से पूर्व सांसद लालजी टंडन राज्यपाल थे और उनके बेटे आशुतोष टंडन योगी सरकार में मंत्री थे। आशुतोष टंडन भी हर हाल में पार्टी लाइन के साथ खड़े रहे। मेनका गांधी भी पार्टी के खिलाफ कभी नहीं गई, लेकिन वरुण इस लक्ष्मण रेखा का लगातार उल्लंघन करते रहे। और बीजेपी ने मेनका गांधी का टिकट नहीं काटा, लेकिन वरुण का टिकट काट दिया और उन्हें टिकट नहीं दिया। इससे यह भी संदेश गया कि वरुण को पार्टी के खिलाफ बोलने के कारण टिकट नहीं मिला। चलिए, ये तो बात हुई वरुण गांधी की। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि मेनका गांधी पर बीजेपी ने आखिर क्यों भरोसा जताया और क्यों उन्हें एक बार फिर टिकट देकर मैदान में उतार दिया। दरअसल मेनका गांधी काफी लंबे समय से राजनीति में है, वे कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी हैं, उन्होंने काफी चुनौतियों का सामना भी किया है। 32 साल तक राजनीति करके पीलीभीत को उन्होंने अपना गढ़ बनाया, उसका लिहाज
बीजेपी करती है। इतने मेनका गांधी को बीजेपी ने फिर से टिकट दिया है। खैर, अब तो आप समझ गए होंगे कि वरुण गांधी को बीजेपी ने टिकट क्यों नहीं दिया और मेनका गांधी को बीजेपी ने आखिर क्यों टिकट दे दिया। लेकिन अब आपको ये बताते हैं कि जब बीजेपी ने वरुण गांधी को टिकट ना देकर बाहर का रास्ता दिखा दिया है तो अब वरुण गांधी के पास आखिर विकल्प क्या बचा है। दरअसल वरुण गांधी को लेकर चर्चा तब से गर्म थी जब लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान सामने आया। उन्होंने तो एक तरह से वरुण को कांग्रेस में शामिल होने का निमंत्रण तक दे दिया था। अधीर ने कहा था, गांधी परिवार से होने के कारण बीजेपी ने वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया, वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए, वे एक साफ छवि के नेता हैं, हम चाहते हैं कि वरुण गांधी अब कांग्रेस में शामिल हों, अगर पार्टी ज्वाइन करते हैं तो हमें खुशी होगी। ऐसे में सवाल उठा कि क्या वरुण कांग्रेस में शामिल होंगे, तो इस सवाल का जवाब भी हम आपको दे देते हैं। दरअसल वरुण गांधी की माँ मेनका गांधी बीजेपी में है और चुनाव लड़ने जा रही है। कांग्रेस का पहले से 3 गांधी नेतृत्व कर रहे हैं और उसका आला कमान भी है, तो सवाल ये उठता है कि वरुण कांग्रेस में शामिल होकर आखिर क्या करेंगे। इससे पार्टी में विरोधाभास पैदा होगा, वहीं वरुण और मेनका की राजनीति क्षमता का आकलन किया जाए तो 2019 के लोकसभा में सुल्तानपुर सीट से अगर वरुण गांधी चुनाव लड़ते तो उनका जीतना मुश्किल होता। इसलिए मेनका गांधी ने पीलीभीत छोड़ सुल्तानपुर से चुनाव लड़ा और वरुण गांधी को सुरक्षित सीट पीलीभीत से चुनाव लड़वाया। लेकिन सुल्तानपुर की सीट पर भी मेनका गांधी महज 15,000 वोटों से ही जीती। मतलब ये कि जो दोनों की जीतने की क्षमता समय के साथ घटती नजर आ रही है। एक जमाने में मेनका गांधी और वरुण गांधी का बीजेपी में कद सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को काउंटर करने के नजरिए से बढ़ाया गया था। लेकिन कांग्रेस की कमजोरी और खास तौर से उत्तर प्रदेश में गांधी परिवारों के कमजोर होते गढ़ के कारण अब उसकी उपयोगिता कम हो गई है। धीरे धीरे बीजेपी गांधी परिवार और उसके नाम से हर किस्म की दूरी बनाना चाहती है। अगर दूर की सोचें तो ये बीजेपी के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि वो पीलीभीत और सुल्तानपुर जैसी सीटों पर अपने जातिगत और विचारधारा के अनुसार स्थानीय चेहरों को आगे बढ़ा सकती है। खैर, वरुण का टिकट काटकर अभिजीत प्रसाद को टिकट दिया गया है। ऐसे में वरुण का अगला कदम क्या होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए शेष भारत।